नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रुद्रपुर के ट्रांजी कैंप थाना क्षेत्र से दो दिन पहले एक किशोरी को बिहार निवासी समुदाय विशेष के युवक की ओर से अपने साथ ले जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर बखेड़ा हो गया। आपको बता दें कि विधायक से बरोड़ा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों के साथ ट्रांजी कैंप थाना पहुंचे और इस मामले के विवेचक सहित पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने लफ्जिहाद का मामला करार करते हुए किशोरी की सकुशल वापसी के लिए एसएसपी से दूरभाष पर वार्ता की। दरअसल शनिवार दोपहर विधायक अरोरा कार्यकर्ताओं और किशोरी की मां के साथ ट्रांजी कैंप थाने पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर प्रभारी एसओ और पुलिसकर्मियों की क्लास ली। उनके बुलाने पर विवेचक गणेश पांडे थाने पहुंचे तो विधायक उन पर बरस पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार घटना वाले दिन से ही लड़की को बिहार के अल्फाज नाम के युवक की ओर ले जाने की बात कह रहा है, लेकिन परिवार की मदद के बजाय उससे बदतमीजी की जा रही है। विधायक ने कहा, आरोपी इंस्टाग्राम पर किशोरी के साथ फोटो डाल रहा है और पुलिस की विवेचना चल रही है। किशोरी ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो उसका फोन छीन लिया गया। छोटी छोटी बच्चियों को लफ्जिहाद में फंसाया जा रहा है और पुलिस सिर्फ कार्यकर्ताओं से बदसलूकी और चालान में सीमित है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट कहना है कि लफ्जिहाद जैसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एसएसपी मणिकांत मिश्रा से दूरभाष पर वार्ता की। एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके लिए टीम गठित कर किशोरी की सकुशल बरामदी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।